सर लिखना जरूर, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. दैट इज अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग एंड बिलीव मी, थोड़ा ध्यान से समझना. आज ही रेजुलेशन लिखना सिखा दूंगा आपको. हिंदुस्तान का कोई भी रेजुलेशन बिना पढ़े आप लिख पाओगे, दैट इज माई प्रोमिस. बस आप लिखना जरूर, ठीक है? चलिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कंपनीज एक्ट में व्हाट इज द मीनिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन. सर रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन? लिखो बच्चों, रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन? द डिसीजन. कोई बता सकता है मुझे डिसीजन कहां लिया जाता है? वेयर द डिसीजंस आर टेकन. एनीबॉडी? तो लिखिएगा डिसीजंस आर टेकन इन द मीटिंग्स. एग्री ना? कोई बताएगा कौन सी मीटिंग्स? वन इज बोर्ड मीटिंग, वन इज बोर्ड मीटिंग एंड सेकेंड वन इज द जनरल मीटिंग. कोई बताएगा जनरल मीटिंग कितने तरीके की? वन इज एजीएम, सेकेंड इज पांच एजीएम. कोई बताएगा बोर्ड मीटिंग में कौन से रेजोल्यूशन पास होते हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन. आई थिंक सबको पता ही है, ये एग्जी पास करके आए हो. और इन शॉर्ट इसको क्या बोल देते हैं? बीआर. और जनरल मीटिंग में कौन से रेजोल्यूशन पास होते हैं? याद है? ओआर, एसआर. ओआर बोले तो, और एसआर मतलब स्पेशल. हाँ वो बात अलग है, यूनैनिमस भी होते हैं और स्पेशल ऑर्डिनरी भी होते हैं, एसएसआर भी होते हैं, बड़ी सारी बातें हैं. बट अभी फोकस ऑन दैट. तो तीन रेजोल्यूशन की बात हो रही है, बीआर, ओआर एंड एसआर. अच्छा ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन ओनली. देखो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल. आई थिंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन? डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कुछ और, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन? कुछ और जो आपके दिमाग में है, और क्या है बोर्ड रेजोल्यूशन? डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बट दिस इज इनकम्प्लीट एक्चुअली. कुछ और, डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कुछ और लिखेगा डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बट हाउ मेनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? दैट इज मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर. प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट. बाय द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी बीआर में अगर पांच डायरेक्टर बैठे हैं तो पांच में से कितने डायरेक्टर्स को हाँ बोलना है? तीन डायरेक्टर को, तब बीआर पास होगा, अदरवाइज बीआर पास नहीं होगा. नाउ व्हाट इज ओआर? कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर. बट हाउ मेनी शेयर होल्डर? हाउ मेनी शेयर होल्डर? मोर देन 50%. पता है ना ये? और एसआर मतलब अगेन कंसेंट ऑफ द शेयर होल्डर. बट हाउ मच शेयर होल्डर? इक्वल टू मोर देन 75% शेयर होल्डर. यानी कंपनीज एक्ट में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी. वन इज बीआर, सेकेंड इज ओआर, एसआर. अच्छा अगर ये तीन चीज समझ में आ गई तो यूनैनिमस, एसएसआर, स्पेशल ऑर्डिनरी वो भी आ जाएंगे. जस्ट फोकस ऑन दीज थ्री थिंग्स, बीआर, ओआर एंड एसआर. एक छोटा सा सवाल है, इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? ये तीनों हैं रेजोल्यूशन. बीआर, ओआर और एसआर तीनों क्या हैं? रेजोल्यूशन. अरे गेटिंग दिस? अब सुनो मेरी बात, जब हम इसको ड्राफ्ट करते हैं, इवन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बता दूं, कंपनी सेक्रेटरीज भी क्या करते हैं, स्टूडेंट की तो बात ही छोड़ दो आप. बीआर बनाने का तरीका अलग है, ओआर बनाने का तरीका अलग है और एसआर बनाने का तरीका अलग है. और टीचर भी बच्चे को क्या सिखा देते हैं? बीआर बनाने का तरीका अलग, ओआर बनाने का तरीका अलग और एसआर बनाने का तरीका अलग. ये कॉन्सेप्ट ही गलत है. हम आपको बीआर, ओआर और एसआर बनाना नहीं सिखाएंगे, हम आपको रेजोल्यूशन बनाना से. दिस इज द राइट टेक्निक एक्चुअली. वी आर गोइंग टू टीच यू व्हाट, हाउ टू ड्राफ्ट रेजोल्यूशन. अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा. सपोज करो मैंने एक रेजोल्यूशन बनाया, एक फॉर्मल लैंग्वेज में रेजोल्यूशन बनाया. मैंने बीआर, ओआर, एसआर कुछ नहीं बनाया, मैंने क्या बनाया? रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन का मतलब क्या? डिसीजन. एक ना लाइन लिखो पहले, कुछ आगे बढ़ने से पहले. व्हाट इज रेजोल्यूशन? नथिंग, इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द मीटिंग. मीटिंग के अंदर जो डिसीजन लिया जा रहा है उसी को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं. और क्या वो फॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर होता होगा? यस. देखो अब जरा, मैंने एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, इज इट ओके? मैंने क्या ड्राफ्ट किया? सिर्फ रेजोल्यूशन. बच्चों उस रेजोल्यूशन को
बोर्ड से अप्रूव करवा लोगे दैट रेजुलेशन बिकम बोर्ड रेजुलेशन, और शेयर होल्डर से अप्रूवल करवा लोगे मोर देन 50 से वही रेजुलेशन कहलाया जाएगा ओआर, और वही रेजुलेशन 75 ने अप्रूव कर दिया तो वही रेजुलेशन बन जाएगा क्या एसआर। वी आर नॉट गोइंग टू टीच यू थ्री मेथड ऑफ द रेजुलेशन, वो टेक्निक ही गलत है, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। विल टीच यू व्हाट, हाउ टू ड्राफ्ट रेजुलेशन, और रेजुलेशन अब अप्रूव करवाना है। अब आपको ये भी सिखाएंगे अप्रूव होता कैसे, साथ के साथ वो लीगल प्रोविजन चलते रहेंगे, रेजुलेशन ड्राफ्टिंग के लिए लीगल प्रोविजन आने ही चाहिए, और आप उसको बोर्ड में अप्रूव करवा लेंगे दैट बिकम बीआर, जनरल मीटिंग में अप्रूव करेंगे तो वही रेजुलेशन बिकम बट ओआर एंड एसआर। अब बताओ क्या सिखाना है, सिर्फ एक चीज, व्हाट, रेजुलेशन। तो तीन चीज तो खत्म ही हो गई, और यूनैनिमस रेजुलेशन भी क्या है, रेजुलेशन। सुनो, इसी रेजुलेशन को 100% कंसेंट से अप्रूव करवा लो, यही रेजुलेशन बन गया, बोलो क्या, यूनैनिमस। तो हमें सिर्फ क्या ड्राफ्ट करना है, बोलो, हाउ टू ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, लिखो जरा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। सी, रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजंस। मैं आपको 470 सेक्शन, कंपनीज एक्ट कितने सेक्शन है, 470, उन 470 सेक्शन के हिसाब से रेजुलेशन लिखना सिखा रहा हूं, ताकि आपको पूरे कंपनीज एक्ट के रेजुलेशन लिखने आ जाए। पूरा कंपनीज एक्ट तीन पार्ट में डिवाइड है, कितने पार्ट में डिवाइड है, तीन, पूरे 470 सेक्शन तीन पार्ट में डिवाइड मैंने कर दिए। और पूरे कंपनीज एक्ट में जब भी आप डिसीजंस लेंगे तो सिर्फ तीन तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, सर चौथे तरीके का डिसीजन आज तक बना ही नहीं है, ये प्लीज लिख लेना आप लोग। देर आर ओनली थ्री काइंड ऑफ डिसीजन इन द एंटायर कंपनीज एक्ट, यानी आपका रेजुलेशन पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और मैंने बस आपको ये तीन चीजें समझानी है, कहानी खत्म, पूरे 470 सेक्शन के रेजुलेशन आपको लिखने आ जाएंगे। डिसीजन नंबर वन, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है, ऐसे डिसीजन को बोलते हैं डिसीजन नंबर वन, जहां पे कौन से, किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, सिर्फ बोर्ड की। बच्चों, कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं जहां पर बोर्ड की अप्रूवल भी चाहिए होती है, प्लस शेयर होल्डर की अप्रूवल की भी जरूरत पड़ जाती है, और पूरे कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए जाते हैं जहां पे पहले बोर्ड की अप्रूवल लो, फिर शेयर होल्डर की अप्रूवल लो, और फिर सीजी या किसी अदर अथॉरिटी की अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। बच्चों, पूरे कंपनीज एक्ट में डिसीजन बस तीन तरीके से लिए जाते हैं, चौथा तरीका कुछ होता ही नहीं है, दैट इज अ थ्री मेथड्स ओनली। और आपको ये हम तीन तरीके के रेजुलेशन आपको अलग अलग तरीके से समझा देते हैं, और हम क्या ड्राफ्ट कर रहे हैं, बी आर ओ आर या एस आर, नथिंग, वी आर ओनली ड्राफ्टिंग व्हाट, डिसीजंस, दैट इज रेजुलेशन। अब दिस इज गोइंग टू बी टेक्निकल, यू हैव टू बी वेरी फोकस, क्या ये बात समझ में आ रही है थोड़ी, आई विल गिव यू सम एग्जांपल बिफोर स्टार्टिंग समथिंग। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस क्या एक ऐसा डिसीजन है जहां पे सिर्फ किसकी अप्रूवल चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। क्या आपको पता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस के लिए कौन सा सेक्शन लगता है, लिख लो 203, मालूम है, क्या कोई बताएगा मुझे अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस के लिए 203 में क्या पास होता है, क्या ओआर एसआर भी पास होते हैं, क्या सिर्फ बीआर पास होता है, क्या कोई बताएगा मुझे, जब बीआर पास कर लोगे क्या कोई फॉर्म भी फाइल होता है, कौन सा बताओ जरा, एक तो MGT 14 जाता है और एक DIR 12 जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, सुना है नाम, सुना हुआ है ना भाई, सेक्शन बोलो एडिशनल डायरेक्टर का, 161 सबसेक्शन 1 स्टैंड्स फॉर द एडिशनल डायरेक्टर, कोई बता सकते हैं इसके लिए क्या रेजुलेशन चाहिए, ओनली BR, लिखना जरा, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, सेक्शन बोलो 161 सबसेक्शन 1, और सिर्फ क्या पास होता है, और एक फॉर्म फाइल होगा, कौन सा बोलो, DIR 12।
दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर. अब बताओ, हेलो, तीसरा एग्जाम्पल, ये सारे रेजुलेशन ड्राफ्ट करने भी हमें. तीसरा, इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल. लिखो भाई, सेक्शन है 60, 61, सबसेक्शन 1, क्लॉज ए, मालूम है. और ये क्या बोलता है बताओ, किसकी अप्रूवल चाहिए? बीआर प्लस ओआर प्लस SS7. और आरओसी को कौन सा फॉर्म फाइल करना है मालूम? SS7. अब बताओ, इस डिसीजन के लिए किसकी अप्रूवल चाहिए? दो लोगों की, बीआर एंड शेयर होल्डर. तीसरा, नेक्स्ट लिखो, चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी. चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी, कोई बता सकता है मुझे चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी? हाँ जी, व्हाट इज दैट? और चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी, हाँ जी, कोई बता सकता है कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 13 सबसेक्शन 2. यू पास व्हाट? बीआर. यू पास व्हाट? एसआर. और आपको किसकी अप्रूवल चाहिए? सीजी. और मैं आपको बता दूं, सीजी अप्रूवल चाहिए INC 24 में. कौन से फॉर्म में चाहिए? INC 24 में. ये सब लॉ में लिखा हुआ है, मैंने सेक्शन बता दिया कहां पे क्या लिखा हुआ है. पहले तो इनको तुम याद कर लो यार, सो दैट हमें लिखते टाइम कोई दिक्कत ना हो. अब आप मुझे बताओ, ये जितने भी डिसीजंस हैं, या तो सिर्फ बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, या फिर बोर्ड प्लस शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, या फिर बोर्ड प्लस शेयर होल्डर प्लस सीजी अप्रूवल भी चाहिए. आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, सबसे मेजर डिसीजन कौन सा होता है? क्योंकि इसमें आपको काम करने के लिए 3-3 लोगों की अप्रूवल चाहिए. यस, लेकिन स्टार्टिंग होती है रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग करने से, तब जाके सारी चीजें होती हैं. फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद डिसीजन 1. तो डिसीजन 1 स्टार्ट कर दें और हेडिंग लिखो, क्वेश्चन लिखो, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन. क्या लिखना है? ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CS. अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या आया है एग्जाम में? ये 5 नंबर का पेपर में आ चुका है भाई. क्या क्वेश्चन है? ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर व्हाट? ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर व्हाट? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. पहला सवाल आप लोगों से, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, ये लिख लिया भाई, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन, अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो बताओ आप क्या ड्राफ्ट करोगे? बीआर, ओआर या एसआर? हाँ जी, क्या ड्राफ्ट करना है? बीआर ड्राफ्ट करना है. समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि सेक्शन 203 के अकॉर्डिंग क्या ड्राफ्ट हो रहा है? सेक्शन 203 के अकॉर्डिंग क्या पास करना है? बीआर. आर यू गेटिंग? यानी ये रेजोल्यूशन किससे अप्रूव करवाना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से. और उसी को क्या नाम दे दिया जाएगा? द बोर्ड रेजोल्यूशन. जब भी क्वेश्चन आए पेपर में ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन, तो आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है. लिखो, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन. बताओ एज पर लो क्या लिखें इसके अंदर? टाइप ऑफ मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, क्या लिखूं इसमें आप बता दो. टाइप ऑफ मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, क्या लिखूं मैं इसमें? क्या लिखें? बोर्ड मीटिंग. और क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ रेजोल्यूशन. अगर ये जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन होता तो क्या लिखते? जनरल मीटिंग, या फिर ओआर, फिर नीचे ओआर, या फिर ऐसा. क्या स्टार्टिंग समझ में आ गई कैसे करना है? इज इट ओके विद यू? नो. अब आप मुझे बताओ, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन किसके लिए करना है? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CS. लिख लो, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने का एक असूल है, आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए. सेक्शन नंबर नहीं पता तो फिर नंबर थोड़े से कम मिलेंगे. स्टार्टिंग ऐसे करनी है, लिखो, रिजोल्व्ड दैट. ये आप कैप्स में भी लिख सकते हो, ये जो पहले दो शब्द है रिजोल्व दैट, आप इसे कैप्स में भी लिख सकते हो. रिजोल्व दैट पर्सुएंट टू, राइट एवरीबडी, पर्सुएंट टू सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन, एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, सॉरी, कंपनीज एक्ट 2013 इफ एनी.
अगर आपको सेक्शन ना पता हो तो पेपर में लिख देना रिजॉल्व दैट पर्सन टू एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन मेक श्योर कि सेक्शन पता हो. नहीं पता तो छोड़ने से बेटर है कि लिख दो क्या रिजॉल्व दैट पर्सन टू एप्लीकेबल प्रोविजन. हमने आप ढूंढ ले कौन सा, हमें क्या लेना देना, हमने तो लिख दिया एप्लीकेबल, कुछ तो होता ही होगा. क्यों भाई, रिजॉल्व दैट पर्सन टू सेक्शन सो एंड सो एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट इफ एनी. मिस्टर, अपना नाम लिखना यहां पे, जो भी तुम्हारा नाम है. मिस्टर रमेश, आर यू रमेश? नो. मिस्टर रमेश, अ मेंबर ऑफ ICSI, बी एंड इज हियर बाय. इसको अंडरलाइन करना भाई, बी एंड इज, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. बी एंड इज हियर बाय अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी एट अ सैलरी. क्या लिखूं, देख लो तुम कितना डिजर्व करते हो. एट अ सैलरी ऑफ 14,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ. तो आप अपने 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 हिसाब से लिख लेना कि आपको क्या लगता है आप कितना डिजर्व करते हो. तो एट अ सैलरी ऑफ 25 लाख पर मंथ, मैंने बोला अपने अपने हिसाब से लिखें. एट अ सैलरी ऑफ 25 लाख, मेरे को तो लगता है मैं सीएस बनूंगा तो 25 लाख से तो कम मैं क्या लूंगा. तो मैं, मेरा तो मतलब मैं तो यही सोच रहा हूँ, बाकी तुम देख लेना. तुम 30 लिखोगे, कहीं तो 35 लिखोगे, हम तेरे से कम है क्या. एट अ सैलरी ऑफ 25 लाख पर मंथ, बाकी तुम 25-30 लिख लो जो भी है. अब आप मुझे बताओ यहां पे एक शब्द लिखा है बी एंड इज, इसका मतलब क्या. हाँ जी, जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर बच्चा करता है इसके अंदर रेजोल्यूशन में, वो ऐसे लिख, आप कुछ कटपट मत करना. और हमेशा मेंबर ऑफ ICSI विल बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी. सर विल बी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, बी एंड इज हियर बाय, ये शब्द लिखना है. इसका कारण सुन लो भाई. अच्छा एक बात बताओ, ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लेकर कहां जाओगे, बोर्ड मीटिंग में. और मुझे बताओ इस रेजोल्यूशन के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल कब दे रहे हैं, फ्यूचर में दे रहे हैं या अब दे रहे हैं. तो मुझे क्या बताओ, क्या शब्द लिखूं, बी एंड इज, वो अभी अप्रूवल दे रहे हैं या फ्यूचर में दे रहे हैं. तो विल भी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा. तो रेजोल्यूशन जब भी लिखें तो प्रेजेंट टेंस में यहां पे क्या लिखना है, बी एंड इज हियर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं और आज उसे अपॉइंट कर रहे हैं. तो शब्द क्या यूज करना है, बी एंड इज हियर बाय अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. विल बी, शैल बी, वुड बी, ऐसे शब्दों को यूज यहां पर नहीं करना है सर. एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी एट अ सैलरी ऑफ 25 लाख पर मंथ. अच्छा एक बात बताओ, सीएस अपॉइंट हो गया है, क्या इसके लिए कोई फॉर्म फाइल करना है, कौन से वाला, DI-12 MJT-14, यही करना है ना. कौन करेगा, क्या कंपनी में सीएस है, कहां है, अभी तो अपॉइंट हो रहा है, और इसका फॉर्म कौन फाइल करेगा. तो लिखिएगा इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे, उसका भी रेजोल्यूशन पास होगा. देखो कैसे, रिजोल्व फर्दर दैट, रिजोल्व फर्दर दैट मिस्टर ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मिस्टर ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय. मिस्टर ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय ऑथराइज, बोलो क्या लिखूं आगे, टू फाइल व्हाट, DI-12 एंड व्हाट, MJT-14, बोलो किसको, टू द ROC. दैट इज अ वेरी सिंपल रेजोल्यूशन दैट वी ड्राफ्टेड. अगर ये 5 नंबर का आ गया यू विल गेट 5 मार्क्स, कितना सिंपल है. रिगार्डिंग दिस बोलो. अच्छा एक बात बताओ, इट इज जस्ट अ बिगनिंग. अभी इसमें बड़ी सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं कि रेजोल्यूशन को लिखते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है. मैं चाह रहा हूँ आपको कुछ आगे सिखाने से पहले, कुछ टेक्निकलिटीज बताने से पहले थोड़ा सा आप लोग पक्के हो जाओ.
एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, इसी के बेस पर लिखना जरूरी है। लिखो, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन। क्या लिखना है? ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। कैन यू राइट? यू हैव 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए रेजोल्यूशन अपॉइंट करना है, रेजोल्यूशन पास करना है, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है। हाँ जी, क्या लगता है सेम टू सेम ही बनना है? लेकिन लिखना पूरा अगर कुछ सीखना चाहते हो तो। हाँ जी, अच्छा, ये आपको हमेशा लिखना है। हेलो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ये आपको हमेशा लिखना है, टाइप ऑफ मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, उसके बाद से आपको स्टार्टिंग करनी है। इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, स्टॉप राइटिंग। और एक क्वेश्चन सुनिए, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि कंपनी का नाम और क्या नीचे एड्रेस और क्या नीचे साइन डेट प्लेस कुछ आएगा? लिसन, कुछ नहीं आना, कुछ साइन नहीं करना, नथिंग, ऐसे ब्लैंक छोड़ना है। पता है क्यों? सुनना ध्यान से इसका कारण, मुझे बताओ ये रेजोल्यूशन कहाँ पास हो रहे भाई? एग्जामिनर, ये आप कंपनी के लिए पास तो कर नहीं रहे हो, अभी तो आप एग्जाम के लिए कर रहे हो। अब आप मुझे बताओ ये रेजोल्यूशन कहाँ पास हो रहे हैं? बोर्ड मीटिंग में, जनरल मीटिंग में। क्या उनके मिनट्स नहीं बनते होंगे? तो ये सारे के सारे रेजोल्यूशन कहाँ जाएंगे? मिनट्स में। और जब मिनट्स बनाओगे क्या वहां पे डेट, टाइम, सिग्नेचर सब आ जाएंगे? यस। यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ना यहां साइन करेंगे ना यहां कुछ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सारे कहां जाएंगे? मिनट्स में। यानी इसका मतलब क्या, ये समझ में आ रहा है? मिनट्स भी इसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मिनट्स में भी क्या लिखना है? मिनट्स में भी ये रेजोल्यूशन ही लिखने है। तो यहां पे सर ब्लैंक छोड़ना है, ऊपर बस ऐसे लिखकर ना साइन करना है, नथिंग, कुछ नहीं करना आपको इसमें। रिगार्डिंग दिस, चलो प्लीज राइट डाउन। किस किस का हो गया? There's no one. अरे यार, सेम टू सेम ही तो लिखना है इसमें, कौन सी कहानी नहीं लिखनी है इसमें? सेम ही तो है, बस थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। एडिशनल डायरेक्टर, हाँ जी। टाइप ऑफ मीटिंग, बोर्ड मीटिंग लिखा है इतना? टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, क्या दो बातें लिख ली हैं? कोई बताएगा क्या लिखना शुरू किया आपने? रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू व्हाट लिखा है इतना? पर्सुएंट टू व्हाट क्या लिखा बताओ? 203 ही लिख दूं, क्या लिखूं बोलो? वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट इफ एनी, इतना तो लिख ही दिया होगा सबने, या यहां पर 203 डाल दिया है? 161 समझ में आ रहा है, क्यों आ रहा है? हाँ जी, मिस्टर रमेश, क्या बंदा वही हो सकता है दोबारा? और कोई बताएगा यहाँ पे मेंबर ऑफ आईसीएसआई आएगा? लिखा किसी ने मेंबर ऑफ आईसीएसआई? नो। क्या लिखूं आगे? बी एंड इज अपॉइंटेड एज अ, हाँ जी, क्या शब्द लिख लूं यहाँ पे? कंपनी सेक्रेटरी लिखेगा, दैट इज द एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर, हाँ जी। नाउ वेट, बस कंप्लीट करो अपने अपने रेजोल्यूशन, और कोई कुछ बोलेगा नहीं, कीप क्वाइट। और मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। हाँ जी, मेंबर की जगह डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें? अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई कट कर दिया, मिस्टर रमेश। एक बच्चा कह रहा है कि ऐसा लिख सकते हैं, हैविंग डिन नंबर सो एंड सो। यस, क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। मिस्टर रमेश हैविंग डिन नंबर सो एंड सो, बी एंड इज हियर बाय अपॉइंटेड। तो आप ये लिखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, क्या दिक्कत है इसमें?
having DIN number so and so whatever. B and is hereby appointed as a additional director of the company. ये आप लिखो, ये आपको लिखना है, ये मैंने नहीं लिखना, ये आप सोचो, ये आपको सोचना है, लिखने दो. ओ हेलो, आवाज नहीं. हाँ जी, किस किसने कंप्लीट कर लिया, लेट मी सी प्लीज, वेरी फ्यू. कंप्लीट करो यार, क्या मुश्किल थोड़ी ना है ये, सेम टू सेम लिखने के लिए दिया है यार. एट अ सैलरी ऑफ, और क्या डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो. अच्छा ये बताओ, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और मैं कुछ लिख रहा हूं, किसने ऐसा लिखा बताओ जरा, टू होल्ड ऑफिस अप टू द कमेंसमेंट ऑफ एजीएम, टू होल्ड ऑफिस अप टू द कमेंसमेंट ऑफ एजीएम. हाँ जी, ये किस किसने लिखा है, दिस वन टू थ्री द फ्यू स्टूडेंट. क्या आपको पता है डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है, जब वो अपॉइंट होता है उसके अप टू द कमेंसमेंट ऑफ एजीएम. कैन वी एक्सपेक्ट सम बेसिक नॉलेज ऑफ द कंपनी, लो इतना तो पता ही होना चाहिए ना यार, नहीं तो फिर तो कुछ ड्राफ्ट नहीं हो पाएगा. तो अप टू टू होल्ड ऑफिस अप टू द कमेंसमेंट ऑफ एजीएम, एडिशनल डायरेक्टर जब भी अपॉइंट होता है तो उसका टेन्योर सिर्फ कहां तक रहता है, जब तक वो अपकमिंग एजीएम नहीं आ जाती, तो अप टू द कमेंसमेंट ऑफ एजीएम. एंड देन कोई बताएगा यहां पे क्या लिखूं मैं, रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर ए. अब बताओ यहां पे किसको ऑथराइज करना चाहिए, डायरेक्टर को या कंपनी सेक्रेटरी को. बी एंड इज हियर बाय ऑथराइज टू फाइल विच फॉर्म, DIR 12 टू होम टू द ROC. आर गेटिंग द टू काइंड ऑफ रेजुलेशन हाउ टू ड्राफ्ट ऑल दिस थिंग्स. पांच नंबर का क्वेश्चन ये पेपर में आ चुका है, पिछला क्वेश्चन कंपनी सेक्रेटरी वाला एग्जाम में आ चुका है, ये पांच नंबर का आ चुका है. अब एक बात बताओ, इन द एंटायर कंपनीज एक्ट, अगर कभी भी ऐसा रेजुलेशन लिखने के लिए आ जाए जहां पे सिर्फ बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, क्या आप लिख पाएंगे, बोलो. बस आपको उसके अंदर उसके सेक्शन का और थोड़ा सा उसका बेसिक प्रोविजन पता हो तो क्या हम वो रेजुलेशन ड्राफ्ट कर पाएंगे. आंसर इज यस, आंसर इज एब्सोल्युटली यस. थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं और अब टेक्निकलिटीज में चल रहे हैं, बेसिक चीजें आपको बता दी है, लिखो जरा. दो चीजें लिख ली हैं और तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं. अब एक काम करेंगे, तीसरा क्वेश्चन मैं ड्राफ्ट करवाऊंगा, चौथा आप लिखना. अगर आपने चौथा ड्राफ्ट कर दिया तो समझ लो आपको सारे रेजुलेशन लिखने आ जाएंगे. जस्ट फोकस ऑन द फोर्थ रेजुलेशन जो आप लोगों को ड्राफ्ट करना है, प्लीज राइट डाउन दिस. देखो जरा डिसीजन नंबर टू, ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन फॉर इंक्रीज ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल. हां जी, अब चीजें मुश्किल हो जाएंगी. और कोई बताएगा इसके लिए सेक्शन कौन सा है, 61 सबसेक्शन 1 क्लोज है, और क्या पास होगा, बीआर एंड ओआर, और कौन सा फॉर्म फाइल होगा, SSR. चलो सर अब सुनिए, वो सारी की सारी चीजें तो आसानी थी, इसको समझते हैं हम. देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको कोई ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के लिए बोल दे, सपोज अब तो है ना, मैं बोलता हूँ फील दैट यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, आप ऐसे मत सोचो कि आप CS फाइनल में हो, आप ऐसे सोचो कि आप CS बन चुके हो एंड यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, और मुझे आप एडवाइस करो ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है, मैं कैसे बढ़ाऊं, हाउ टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल, मैं कैसे बढ़ाऊं. प्रैक्टिकल लाइफ में क्वेश्चन आपके लिए, सबसे पहले क्या पास करना है, इशू नोटिस टू ऑल द डायरेक्टर्स, कन्वीन द पास, अब किसके अप्रूवल चाहिए, इशू नोटिस टू ऑल द एंड कन्वीन द जनरल मीटिंग एंड पास ओआर एंड लास्ट में फाइल SS7 टू द. कोई बता सकता है इसके अंदर कौन कौन से रेजुलेशन पास होने, एक BR और एक OR. मैं आपको BR ड्राफ्ट करवा रहा हूँ और देन OR. आई वुड से है कुछ नहीं, कहानी सेम है, बस वो अप्रूवल जिसकी ले लोगे वो रेजुलेशन बन जाएगा. देखो लेकिन फिर भी कुछ फर्क है, वो फर्क देखिए क्या. और अब हेडिंग लिख लो, ड्राफ्ट
बोर्ड रेजुलेशन। अब बोर्ड रेजुलेशन किसका ड्राफ्ट करना है? ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करने का। कोई बताएगा सबसे पहले क्या आएगा? टाइप ऑफ मीटिंग। और कोई बताएगा टाइप ऑफ मीटिंग में क्या? बोर्ड मीटिंग। एवरीबॉडी, हाँ जी, टाइप ऑफ मीटिंग इज अ बोर्ड। दूसरा बोलो, टाइप ऑफ व्हाट? कोई बताएगा क्या आएगा इसमें? द बोर्ड रेजोल्यूशन। प्लीज राइट डाउन दिस। कोई बताएगा फर्स्ट लाइन क्या लिखनी चाहिए? हाँ जी, कोशिश करो यार, तभी समझ में आएगा। क्या लिखो फर्स्ट लाइन? हाँ जी, रिजॉल्व दैट। आगे बोलो, रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू व्हाट? पर्सुएंट टू व्हाट? सेक्शन बोलो ना यार, 61 सबसेक्शन 1 क्लोज ए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड एनी अदर एप्लीकेबल। और आप देखेंगे हम इतने रेजुलेशन ड्राफ्ट कर लेंगे कि एग्जाम में से शायद इसी में से आ जाए। फिर तो सेक्शन आपको याद ही होंगे एंड डेफिनेटली यू कैन इजिली राइट द रेजोल्यूशन। ये 8 नंबर का आ सकता है पेपर में जो लिख रहे हैं। रिजॉल्व दैट पर्सन टू सेक्शन 61(1)(a) ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन इफ एनी। एनीबडी रेज योर हैंड। अगली लाइन क्या? बुक में नहीं देखने, अगली लाइन क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लाइन? हम क्या बढ़ा रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन सुनो, कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड की जो अभी ऑथराइज जो कैपिटल है वो 10 लाख है और आप इसे बढ़ा के 15 लाख करना चाहते हो। अभी कैपिटल कितनी है? 10 लाख, और बढ़ा के कितनी करना चाहते हो? 15 लाख। टेल मी द नेक्स्ट लाइन प्लीज। कोशिश तो करो यार, रिजॉल्व दैट प्रोविजन इफ एनी। व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लाइन? कम ऑन यार, व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? पीछे लाइन क्या थी? बी एंड इज हियर बाय। अब यहां पे क्या लिखूं? प्रोविजन इफ एनी। आगे क्या लिखूं? लिखेगा द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी आएगा धीरे धीरे। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी बी एंड इज हियर बाय इंक्रीज्ड फ्रॉम। बोलो क्या लिखो? बी एंड इज हियर बाय इंक्रीज फ्रॉम। फ्रॉम, अब देखो ध्यान से लिखने का तरीका सुन लो जरा। फ्रॉम 10 लाख, फ्रॉम 10 लाख, और देखो ब्रैकेट ओपन, डिवाइडेड इनटू बोलो क्या लिखूं? 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 10 टू रुपीज, यहां पे रुपीज भी ऐड कर लो, रुपीज व्हाट? 15 लाख। बोलो आगे क्या लिखूं? डिवाइडेड इनटू 1.5 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 10। रिजॉल्व दैट पर्सन टू सेक्शन 61(1)(a) ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन इफ एनी द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय व्हाट इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख डिवाइडेड टू सो एंड सो टू रुपीज 15 लाख। आर यू गेटिंग द लैंग्वेज? कोई बता सकता है व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लाइन? अब दिमाग लगाओ जरा, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लाइन? हाँ नहीं, रिजॉल्व फर्दर दैट। लो भाई लिख दिया, रिजॉल्व फर्दर दैट। बच्चों कोशिश करो, जब ही सीख पाओगे। रिजॉल्व फर्दर दैट, आगे क्या लिखूं? एनीबडी, आगे क्या लिखूं? लिसन नाउ प्लीज रिलैक्स। ये रेजुलेशन कहां पास हो रहा है? हाँ, और क्या ये रेजुलेशन पास करके ऑथराइज कैपिटल बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या जनरल मीटिंग भी बुलानी पड़ेगी? कैन यू टेल मी हु इज ऑथराइज टू इश्यू नोटिस? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करते हैं सीएस को। तो हु इज ऑथराइज टू अप्रूव द नोटिस एंड इश्यू द नोटिस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी? बोलो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई बताएगा व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लाइन? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लाइन? अच्छा आप देखो जरा, सी
क्या जनरल मीटिंग का नोटिस बनेगा? अभी छोड़ो बोर्ड मीटिंग को, क्या बोर्ड मीटिंग का जनरल मीटिंग का नोटिस बनेगा? क्या उसकी डे टाइम वेन्यू डिसाइड होगी? कोई बताएगा डे टाइम वेन्यू कौन अप्रूव करेगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा मेंबर्स को? वो नोटिस भेजने के लिए ऑथराइज कौन करेगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या उसके लिए भी रेजुलेशन पास करना पड़ेगा? अब मैं पूछता हूं आपसे, अगर इतना लिखकर बोर्ड मीटिंग को तुम बंद कर दोगे तो फिर बाद में दोबारा एक और बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। किस लिए? किस लिए बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी? कि फिर ऑथराइज करो और अप्रूव करो नोटिस ऑफ एजीएम। तो क्या सेंसिबल है? क्या करूं मैं इसके अंदर? इसी बोर्ड मीटिंग में एक रेजुलेशन और पास कर दूं, फॉर व्हाट? फॉर ऑथराइजेशन एंड फॉर अप्रूवल ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। देखो ये कैसे होगा, रिजॉल्व फर्दर दैट द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, रिजॉल्व फर्दर दैट द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग ऑथराइज कैपिटल बी एंड इज हियर बाय अप्रूव्ड। रिजॉल्व फर्दर दैट द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द ऑथराइज कैपिटल बी एंड इज हियर बाय अप्रूव्ड। कोई बताएगा ये जनरल मीटिंग का नोटिस अप्रूव किसने कर दिया है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। एक चीज पूछूं मैं, एडिशनल डायरेक्टर के केस में ये वाला रेजुलेशन क्यों नहीं आया था? क्योंकि उस केस के अंदर जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत थी ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तीसरा कोई बता सकता है क्या रेजुलेशन आएगा? रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर ए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बी एंड इज, पता है प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस के बावजूद भी उनको ये समझ में नहीं आता रेजुलेशन की लेंथ कैसे बनानी है, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि रेजुलेशन शॉर्ट कैसे करना है। सर बड़े बड़े रेजुलेशन आप अपने आप ही लिखना सीख जाएंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है क्लास में, मुश्किल है आसान नहीं है ये काम। रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर ए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बी एंड इज, और समझ में आ रहा है बार बार बी एंड इज क्यों आ रहा है? हियर बाय व्हाट ऑथराइज्ड टू इशू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू, और पता है एक चीज लिख लो, आप दो बार बोल चुके हो शेयर होल्डर। कंपनीज एक्ट में कुछ भी लिखते टाइम शेयर होल्डर शब्द यूज नहीं करना, सिर्फ क्या शब्द यूज करना है? मेंबर। मार्क्स नहीं मिलेंगे ना प्रैक्टिकल लाइफ में ना थियोरेटिकल लाइफ में सर, कभी भी कंपनीज एक्ट में शेयर होल्डर शब्द यूज नहीं करना। हर जगह क्या कौन सा शब्द यूज हुआ है? मेंबर। शेयर होल्डर शब्द यूज ना करें प्लीज। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्या कोई बता सकता है चौथा रेजुलेशन क्या होगा? देखो एक ही में चार चार रेजुलेशन हो गए, कोई बता सकता है व्हाट शुड बी द फोर्थ रेजुलेशन? वो तो डे टाइम वेन्यू नोटिस अगर हमने बोल दिया, अगर मैंने बोल दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस अप्रूव कर दिया, तो नोटिस में डे टाइम वेन्यू एजेंडा सब अप्रूव हो चुका है। कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट क्या लिखूं मैं? के तीन पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, हाँ जी व्हाट शुड बी द फोर्थ पॉइंट लिखना? रिजॉल्व फॉर दैट मिस्टर ए फटाफट द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय ऑथराइज, बोलो क्या? टू फाइल व्हाट? SS7 टू होम? टू द आरओसी। इट्स अ कंप्लीट रेजुलेशन सर, 8 नंबर का है तो 8 में से 8 आएंगे। यू विल गेट द 8 मार्क्स इन दिस केस। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा एक छोटी सी गलती हो गई है इसमें, उसको भी सुधारेंगे। आप पहले ये 4 पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा बताओ अब जरा, अभी हम बोर्ड रेजुलेशन लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ओआर आएगा और फिर देखना कहानी और कितनी क्लियर हो जाएगी, बट जस्ट फोकस ऑन द बीआर राइट नाउ। कोई बताएगा जो सीएस का रेजुलेशन था उसमें बस 2 पॉइंट क्यों थे? क्योंकि उसमें जनरल मीटिंग के रेजुलेशन की जरूरत नहीं थी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब जरा देखो एक लाइन और लिख रहा हूं, बताना क्या ये समझ में आया? शुड आई चेंज दिस? लिखो जरा, और यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं,
सब्जेक्ट टू, बोलो क्या लिखूं भाई, अप्रूवल ऑफ शेयर। क्या ये समझ में आ रहा है ऐसा मैंने क्यों लिखा है? व्हाई? बिकॉज इस बोर्ड रेजुलेशन का कोई वजूद नहीं है जब तक शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं मिलेगी। क्या सीएस वाले में ये लाइन लिखी थी? उसमें लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको क्या चाहिए था भाई, बीआर। दैट्स हाउ यू ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजोल्यूशन। कैन यू ड्राफ्ट दिस? सॉरी, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ, सॉरी शेयर होल्डर शब्द यूज नहीं करना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट टू द अप्रूवल्स ऑफ, अप्रूवल ऑफ मेंबर, और आगे एक लाइन और लिख देना, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर इन जनरल मीटिंग। क्या लिखना है? सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। पता है, अगर आपने अगला मेरा दिया हुआ रेजुलेशन लिख लिया, समझ लो आपको कंपनीज एक्ट के सारे रेजुलेशन लिखने आ गए। विल यू ट्राई? बोलो, करोगे कोशिश थोड़ी सी? एक ऐसी लाइफ टाइम चीज सीख जाओगे जो बहुत हेल्प करने वाली है फ्यूचर में। अभी मैं आपको ओआर नहीं लिखवा रहा हूं, ओआर अभी लौटेंगे इसके ऊपर, इसको ध्यान से याद रखना कि लिखा क्या था। मैं एक बोर्ड रेजुलेशन ड्राफ्ट करने के लिए दे रहा हूं, दे दूं? Yes, चलो यार कोशिश करना प्लीज, और मायूस मत करना इसके अंदर। प्लीज ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजुलेशन, ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजुलेशन फॉर द चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। पूरी जान लगा देना इसको लिखने के लिए। बोर्ड रेजुलेशन ड्राफ्ट करना है, किसके लिए ड्राफ्ट करना है भाई? चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। हां जी, और मैं बता दूं आपको इसके लिए सेक्शन कौन सा लगता है। पहले क्या पास होगा, फिर क्या पास होगा, फिर किसकी अप्रूवल लेनी है? सीजी की अप्रूवल कौन से फॉर्म में लेनी है? IC-24 फॉर्म में। मेरी बात समझ में आ गई? और सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जब जब SR पास होता है तो MGT-14 फाइल होता है। किसको? बोलो, नहीं पता तो लिख लो। जब जब कंपनीज एक्ट में क्या पास होता है? SR, तो ROC को एक फॉर्म फाइल होता है, कौन सा? MGT-14। और सर CG अप्रूवल कौन से फॉर्म में लेनी है? IC-24 में। ड्राफ्ट विच रेजुलेशन, BR या SR? अभी BR सिखा रहे हैं सिर्फ आपको, क्योंकि BR आ गया तो सब आ गया, समझ लो। द मेन पॉइंट इज BR ओनली। ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजुलेशन, सोचिए और लिखिए जरा। अच्छा, और सुनो, कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है, नाम चेंज हो रहा है वाई लिमिटेड। क्वेश्चन तो पूरा करें। कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड और नाम क्या चेंज हो रहा है? वाई लिमिटेड। पहले 10 रेजोल्यूशन आई विल चेक, जिसका हो जाए फटाफट कॉपी ले आओ। आई विल गिव यू मार्क्स आउट ऑफ 10। 10 नंबर का रेजोल्यूशन है ये, मेक इट फास्ट। एक हेल्प कर रहा हूं तुम्हारी, ऐसे लिख लेना टाइप ऑफ मीटिंग, और फिर ऐसे लिख लेना टाइप ऑफ, अब इससे ज्यादा क्या कहूं। और एक और लाइन लिख लेना ऐसे, रिजॉल्व दैट। चलो आगे तुम लिख लो। नाम क्या चेंज हो रहा है? एक्स लिमिटेड से वाई लिमिटेड।
ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कोई और? बिल्कुल परफेक्ट लिखें। हाँ जी, और बताएं? आई थिंक यू टेक 3 और 4 मिनट्स, इतना ही टाइम लगता है। इससे ज़्यादा अगर आता हो और ड्राफ्ट करने में लग रहे हैं तो फिर लिखने वाले को आता ही नहीं लिखना। इससे ज़्यादा टाइम ड्राफ्टिंग में लगना ही नहीं चाहिए। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, सही, परफेक्ट, पास कर दीजिए। बस बस सारे बताओ, रेज योर हैंड, आई कॉल यू। सीट पे बैठे रहे, आई विल कॉल यू। सही है, गुड। ये किसका है? नीचे लिखा है ना? ठीक, आप है ना, स्पेस दो, रिजॉल्व फर्दर दैट, फिर दोबारा आएगा ना रिजॉल्व फर्दर दैट, तो उसके नीचे एक लाइन का स्पेस आना चाहिए, नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि एक ही है वो, अदरवाइज गुड। हाँ जी, परफेक्ट, बैठे रहो बैठे रहो, आई कॉल यू, डन। ये गलत लिख दिया आदिति, इट इज रॉन्ग। यहाँ पे सी जी आर ओ सी ही है, पावर डेलीगेटेड टू द सी जी, पावर जो सी जी की है यहाँ पे कौन है, आर ओ सी के पास है। ठीक, 28 नहीं जाएगा, 28 फाइल करने की जरूरत नहीं है। सही, चलो अब बस आफ्टर द क्लास, क्लास के बाकी चेक करवा लेना, नहीं तो सारा टाइम इसमें चला जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ जी, 24 के लिए ऑथराइजेशन भी आएगी। लिसन नाउ, किस किस ने लिख लिया यार, आर यू श्योर? बच्चों लिखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में 90% बच्चा लिखता है, 10% बच्चा लिखता ही नहीं है, उनका कुछ नहीं होगा। कोशिश करो लिखने की। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप बताना क्या ऐसे लिखा है या नहीं लिखा है। हाँ जी, रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, अपना चेक करें और जो मैं लिख रहा हूँ बताना क्या ऐसा ही लिखा है। एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन इफ एनी, इतना सेम है। द नेम ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय, लिखा सबने बी एंड इज हियर बाय। हाँ जी, क्या लिखूं? चेंज्ड, बी एंड हिज इज हियर बाय चेंज, बोलो किससे? फ्रॉम, लिखा सबने ऐसे, फ्रॉम एक्स लिमिटेड टू वाई लिमिटेड। क्या बाकी सब कट कर सकते हैं इसे? From X limited to the Y limited. Can we write like this? And answer is yes. हाँ जी, और अब कोई बताएगा मुझे, आपने इतना तो लिख दिया, तो कोई बता सकता है मुझे आगे आपने यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ जी, क्या लिखा है? Subject to what? Subject to approval of shareholder. Subject to the approval of members. किस किसने लिखा है ऐसा? क्या आपने कुछ और भी इसमें लिखा है? क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स एंड सीजी। क्या आपको समझ में आ रहा है लिखना कैसे है? पिछले केस में, फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं था, सेकंड केस में क्या आ गया? सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर, और ये तीसरे केस में क्या आ गया? सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर एंड सीजी, क्योंकि ये बोर्ड अप्रूवल बिना सीजी और शेयर होल्डर के तो वैलिड है ही नहीं, इसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। दूसरा रेजुलेशन, किस किस ने इतना लिख लिया था भाई? Are you sure? Yes, sir. Resolve further that the notice of the general meeting for the purpose of increasing, sorry, for the purpose of what?
फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? चेंज ऑफ नेम. क्या लिखूं? चेंज ऑफ नेम बी एंड इज हियर बाय अप्रूव्ड. लिखा सबने ऐसा? क्या रेजुलेशन लिखने आ रहे हैं? आगे बताओ. रिजोल्व फर्दर दैट मिस्टर ए बी एंड इज हियर बाय ऑथराइज टू इशू. ये तो सेम ही आ गया यार. नेक्स्ट बोलो भाई. कहाँ गया वो रेजुलेशन? कहाँ गया वो? दोबारा लिखना पड़ेगा. चलो क्या लिखा आपने? रिजोल्व फर्दर दैट. क्या रिजोल्व फर्दर दैट? व्हाट? मिस्टर ए, हाँ जी, द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी. क्या लिखो बोलो? बी एंड इज व्हाट? हियर बाय, हाँ जी, ऑथराइज्ड टू फाइल MJD 14 टू ROC. किस किस ने लिखा ऐसा? अच्छा एक बात बताओ, क्या इसी में ऐसा लिख सकता हूँ MJD 14 एंड IC 24? लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों लिखूँ मैं जब अगली लाइन बना सकता हूँ, मैं लेंथ और क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एक में क्यों लिखूँ? फर्दर रिजोल्व फर्दर दैट. रिजोल्व CS, हाँ लिख सकते हो. रिजोल्व फर्दर दैट मिस्टर ए CS ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय व्हाट? बी एंड इज हियर बाय व्हाट? ऑथराइज व्हाट? टू फाइल INC 24 टू होम, टू CG फॉर ऑब्टेनिंग. बोलो क्या लिखूं? फॉर ऑब्टेनिंग व्हाट? अप्रूवल फॉर व्हाट? फॉर द चेंज ऑफ नेम. आप देख सकते हो कितनी लेंथ हम बना सकते हैं रेजुलेशन के अंदर. अब एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, अब मैं जो पूछूंगा बस पीछे पीछे उसको रिपीट करना और बताना. हमारे कंपनीज एक्ट में कितने तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं? एवरीबडी, कितने तरीके के डिसीजन? पहला डिसीजन जिसमें सिर्फ क्या चाहिए? बोर्ड अप्रूवल. दूसरा डिसीजन जिसमें सिर्फ क्या चाहिए? बोर्ड प्लस शेयर होल्डर. तीसरा डिसीजन क्या चाहिए? बोर्ड प्लस शेयर होल्डर प्लस CG या एनी अदर अथॉरिटी अप्रूवल. चौथा केस पूरे कंपनीज एक्ट में कोई होता ही नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? क्या आप रेजुलेशन अब इस तरीके से लिख पाएंगे? अब है ना, अभी लिखना मत, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताना क्या कुछ समझ में आ रहा है. देखना, ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजुलेशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम सिटी टाउन एंड विलेज. क्या बोला मैंने? हाँ जी, विद इन अ सेम सिटी टाउन एंड विलेज. या फिर छोड़ो, ड्राफ्ट अ बोर्ड रेजुलेशन फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट. एक स्टेट से अनदर स्टेट. कुछ आ रहा है समझ में आपको? बोलो. कैन यू ड्राफ्ट द रेजुलेशन? अभी लिखना नहीं है. हाँ जी, क्या आपको पता है इसके लिए क्या क्या चाहिए? हाँ, ये तो खैर नहीं पता होगा तुम्हें. वन स्टेट टू अनदर स्टेट रजिस्टर ऑफिस चेंज करने के लिए क्या चाहिए? अब सुनो, हेलो, जो चाहिए होता रहेगा. हमें ये पता है, अगर खाली BR चाहिए तो कैसे होगा, BROR चाहिए तो भी पता है कैसे होगा, और अगर भाई CG अप्रूवल भी आ गई तो भी हमें पता है क्या होने वाला है. और मैं आपको बता दूं, लिख लो, वन स्टेट टू अनदर स्टेट. अभी कुछ ड्राफ्ट नहीं करना है, बस आप अपने दिमाग में रखो क्या समझ में आ रहा है कि लिखना कैसे है. गर्ग साहब आपका ध्यान नहीं है, पास नहीं होगा. तू 3 बार बोल चुका है, चौथी बार बाहर जाएगा सीधा. वन स्टेट टू द अनदर स्टेट लिखेगा. इसके लिए यू नीड BR, इसके लिए यू नीड SR, इसके लिए यू नीड SR के साथ क्या फाइल होगा? MJD 14. इसके लिए आपको चाहिए CG अप्रूवल. देखो जरा आप ध्यान से, इसके लिए क्या चाहिए आपको? CG अप्रूवल. और CG यहां पे कौन है मालूम है? RD. और कोई बताएगा यहां पर अप्रूवल कौन से फॉर्म में आएगी? INC 23 में. और CG यानी RD की जो भी अप्रूवल आएगी उसकी खबर आपको ROC को देनी है. कौन से फॉर्म में बोलो? INC 28 में. अभी कुछ लिखना नहीं है. कैन यू ड्राफ्ट द बोर्ड रेजोल्यूशन? हाँ या ना? रिजोल्व फर्दर दैट द
registered office of the company B and is hereby shifted from this place to this place. और क्या बाकी remain same? Yes. That's how you draft. कितने भी बड़े regulation हैं, can you draft easily? और companies act 2013 में जो सबसे बड़ी चीज बोली जाती है, that is merger amalgamation. 230, 232 approval चाहिए तीन. BR, SSR होता है. स्पेशल स्पेशल रेजुलेशन, अब छोड़ो, मतलब शेयर होल्डर अप्रूवल प्लस NCLT अप्रूवल. कैन यू ड्राफ्ट द बोर्ड रेजुलेशन? सर अब कुछ नहीं है, आपको बस ये तीन बातें याद रखनी है, दीज थ्री थिंग्स. और सर आप कोई भी रेजुलेशन कंपनीज एक्ट में क्या कर सकते हो, ड्राफ्ट. इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर और धीरे धीरे आपको कहानी अपने आप ही समझ में आ जाएगी एक्चुअली हो क्या. लेकिन ये क्या फॉर्मेट समझ में आ गया? ये तीन चार रेजुलेशन लिखवा के हमने आपको एक फॉर्मेट समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअली रेजुलेशन पास होते कैसे. आर यू गेटिंग समथिंग? चलो सुनो मेरी बात ध्यान से. इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल वाला रेजुलेशन निकाल लो जल्दी. अब लिखवाया था इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल. अब आपको दिमाग लगाना है यहां पे, या फिर एक काम करो, इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल ये चेंज ऑफ नेम वाले पे आ जाओ. ये मेरे पास लिखा हुआ भी है, ऑथराइज कैपिटल वाला इसी में से चेंज किया था. हाँ जी सर, ये अगर आपने बता दिया तो मजे आ जाएंगे. अगर आप ये मुझे बता दो कि अब क्या होने वाला है, देखिए बी आर पास अब क्या पास करना है? ये चेंज ऑफ नेम है. बताओ मुझे बी आर पास अब क्या पास करना है? व्हाट विल यू पास? यू विल पास व्हाट? एसआर, स्पेशल रेजुलेशन. उसके लिए क्या बुलाओगे? जनरल मीटिंग. नेक्स्ट पेज पे लिखो ड्राफ्ट स्पेशल रेजुलेशन फॉर चेंज ऑफ नेम. ये मैं लिखवाऊंगा बाद में, पहले आप कोशिश कर लो. मुझे नहीं लगता कि तुम ये सही लिख सकते हो, विश्वास थोड़ा कम है तुम पे. क्या क्वेश्चन है? ड्राफ्ट आ स्पेशल रेजुलेशन फॉर द चेंज ऑफ नेम. स्टॉप राइटिंग, एक सेकंड सुनो पहले बात पूरी. क्या लिखना है? स्पेशल रेजुलेशन फॉर द चेंज ऑफ नेम. मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई, बी आर ओ आर एस आर कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? रेजुलेशन. उसी को कहां से अप्रूव करवा लो? जनरल मीटिंग में. तो वही रेजुलेशन क्या बन जाएगा? एस आर. इज इट ओके? कुछ अलग नहीं है, सब सेम है, बस वो रेजुलेशन किससे अप्रूव करवा लो? शेयर होल्डर से. तो क्या बन जाएगा? एस आर. नाउ इतनी बात सुनने के बाद ड्राफ्ट एस आर. हाँ जी, पूरा स्पेशल रेजुलेशन आप ड्राफ्ट करें. अब यही तो दिमाग लगाना है थोड़ा सा. क्या वही कॉपी पेस्ट कर देंगे? आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं. अभी तो हम लर्निंग स्टेज पे हैं, गलत भी होगा तो ठीक हो जाएगा, कोशिश तो करो. लेकिन कॉपी पेस्ट करते टाइम थोड़ा दिमाग लगाना, शायद चीजें चेंज हो जाएं कुछ. थिंक केयरफुली. हाँ, ऑथराइज कर दो. अब तो क्या है, देखो क्या है, कुछ भी हो, रिजॉल्व फर्दर दैट बी एंड इज, कुछ करना ही नहीं है. जो लॉ में लिखा हुआ है, रिजॉल्व फर्दर दैट बी एंड इज, कर दो खत्म बात. और किसको करो? सीएस को खत्म. और सीएस नहीं है तो किसको कर दो? डायरेक्टर को. बट फर्स्ट ड्राफ्ट ऐसा. क्या सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा या थोड़ा बहुत चेंज आएगा? चलो बता दो क्या चेंज आएगा. अब लिख लो क्या हो गया, लिख लो. गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा. अच्छा, बिना देखे लिखना आपकी बार. अच्छा, बताएगा कोई जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? टाइप ऑफ मीटिंग, टाइप ऑफ रेजुलेशन, रिजॉल्व दैट. आगे लिखे. नेक्स्ट पेज से बिल्कुल चेक करूंगा एक एक का. हाँ जी, अलग होना चाहिए, उसी में काटा पीटी मत कर देना भाई.
ये अगर आज समझ में नहीं आया, ये जिंदगी में कोई नहीं कहीं से नहीं सीख पाओगे, और प्रैक्टिकल लाइफ में भूल जाना कि आपके सीनियर आपको सिखा देंगे। ये स्किल है जो यही डेवलप करनी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत आसान है, ठीक है। इसने सही लिखा है लड़के ने, पकड़ा सही है, गलत हो गया। ये लिख के रखना, आपको पता चलेगा गलत क्या है। हाँ जी, आपका गलत हो गया थोड़ा सा। सही है, तेरा तो तुक्का ही लग गया। नहीं, यस ठीक है, सही है। सही, दिखा, रुक रुक, गलत हो गया। सही है, सही है, सही, लो सही, बिल्कुल सही, सही है। ऐसा क्या लिख रहे हैं ये, गलत है, गलत हो गया। हाँ जी, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अच्छा, मैं एक हिंट और दे रहा हूं, वेट, हाँ लिया तू लिया, एक हिंट और दे रहा हूं आपको, सुनो। BR OR SR कुछ नहीं होते, सब सेम होते हैं। और सुन लो, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, सेम टू सेम लिख लो, और क्या बोलो, गलत है, ये गलत हो गया भाई, गलत है। हाँ जी, चले, नाउ लिसन केयरफुली, सी नाउ, अब मैं कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे पता है? अभी तो थोड़ा सा फॉर्मेट सीखा BR का, थोड़ा सा फॉर्मेट बता रहा हूं शेयर होल्डर OR SR का, फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर मैं आपको बोलूंगा इसी क्वेश्चन में ड्राफ्ट BR एट अ सेम टाइम ड्राफ्ट OR, तब वो कहानी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको पहले सीख लो है क्या, ये लिखे क्या लिखूं बताओ, लिखा ऊपर टाइप ऑफ मीटिंग, जनरल मीटिंग, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, स्पेशल, क्या इतना लिख लिया आपने? इतना तो सबने टेप लिया होगा। रिजोल्व दैट पर्सुएंट टू सेक्शन और एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन इफ एनी द नेम ऑफ द कंपनी बी एंड इज हेयरबाय चेंज फ्रॉम एक्स लिमिटेड टू वाई लिमिटेड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ, क्या ये मेंबर आपने कट कर दिया? क्यों? क्योंकि मेंबर की तो अप्रूवल लेनी ही है। किस किस ने ये इतना पैराग्राफ बिल्कुल सही लिखा है? आर यू श्योर? हाँ जी, नेक्स्ट। उसके बाद क्या सेम टू सेम नहीं आया? आप मुझे बताओ भाई, डफरो थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे ना, मतलब सेम टू सेम क्या रेप्लीकेट हो ना कर दोगे? थोड़ा दिमाग लगा के थोड़े बहुत तो मॉडिफिकेशन करनी होगी ना, लेकिन क्या ऑलमोस्ट कहानी सेम ही है? और ये आपको किससे अप्रूवल लेनी है? शेयर होल्डर से। तो ये क्या बन जाएगा ऐसा? अच्छा, फिर आपने लिखना है सेम टू सेम, रिजोल्व फॉर दैट द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग फॉर द पर्पस ऑफ चेंज ऑफ नेम बी एंड इज हियर बाय अप्रूव्ड। क्या जनरल मीटिंग में ये रेजुलेशन पास करवा दूं? शेयर होल्डर लात मारेंगे तुम्हें। मुझे बताओ ये किस किस ने लिखा है? झूठ मत बोलना दोस्तों, कसम है तुम्हें तुम्हारी खुद की, किस किस ने ये लाइन लिखी है भाई? किसी ने नहीं लिखी, ठीक है, ये लिखनी भी नहीं थी। क्यों डफरो? इसी की वजह से तो जनरल मीटिंग आ रही है, और तुम शेयर होल्डर से शेयर होल्डर की मीटिंग में कह रहे हो अपनी मीटिंग का नोटिस अप्रूव करो। इज इट मेकिंग सेंस? ये लाइन नहीं आएगी। अभी आगे ना, फिर इस जनरल मीटिंग में दोस्तों, ये तो सब नहीं लिखा है, मैं हो ना मुक्का मार दूंगा। रिजोल्व फर्दर दैट मिस्टर ए बी एंड इज हियर बाय ऑथराइज्ड टू इशू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्या ये आप सबने लिखा हुआ है? किस किस ने ये नहीं लिखा है? हाँ तो ठीक है, इसमें इतना हीरो बनने की क्या जरूरत है, ये भी नहीं आएगा। इसे तो समझ आ रहा है क्यों नहीं आएगा? लेकिन ये तो लिखा ही है नाउ। रिजोल्व फॉर दैट मिस्टर ए सी एस ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय ऑथराइज टू फाइल बट MJT 14 टू द ROC।
बी ऑनेस्ट। अब ये लाइन किस किसने लिखी है? यही गलत है, ये लाइन यहां पर नहीं आएगी। कोई बता सकता है क्यों ये लाइन क्यों नहीं आएगी? ये बोर्ड मीटिंग में सीएस को तुम ऑथराइज कर चुके हो, ये आपको किसने सिखा दिया कि शेयर होल्डर सीएस को ऑथराइज करेंगे टू फाइल एमजीटी 14? और एक बार बंदा ऑथराइज हो चुका है तो शेयर होल्डर से क्यों ऑथराइज करवाओगे? थोड़ा दिमाग लगाया करो, भगवान ने दिया है भेजा 250 ग्राम का, हाँ या ना? जब एक बार ये ऑथराइज हो गया है तो बार बार क्यों ऑथराइज करवाओगे इसको? जिसने लिखा 0 मार्क्स। किस किसने नहीं लिखा ये लाइन भी? सबने ही लिखा है बिल्कुल भाई। रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर ए सी एस की ये लाइन किसने लिखी है? हाँ जी, कि सी जी को आईएनसी 24 फाइल होगा, ये लाइन किसने लिखी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये लाइन भी गलत है, क्यों? क्या इसके लिए भी बोर्ड रेजुलेशन के अंदर हम ऑथराइज कर चुके हैं? क्या डबल डबल ऑथराइजेशन करेंगे क्या? नो, इस स्पेशल रेजुलेशन में सिर्फ क्या आएगा? दिस वन, सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है। अब बताओ मुझे ज्यादा मुश्किल ड्राफ्ट करना क्या हुआ, बी आर या एस आर? बी आर ज्यादा ड्राफ्ट, मतलब एस आर ज्यादा मुश्किल है? बी आर मुश्किल है। और आप बताओ एस आर निकला कहां से? सेम टू सेम, मैं तो कह रहा था आपको सेम टू सेम टेप दो, तो देखो टेप दिया सेम टू सेम। अरे गाइड इन दिस, एक क्वेश्चन और दू ड्राफ्ट। हाँ जी, तो कुछ नहीं करना, अगर स्पेसिफिकली एस आर बोल दे तो बस एस आर इतना लिखो, खत्म करो, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं तो हम प्रज्यूम करेंगे कि बी आर उसे पता ही होगा अगले को, तो जब उसे पता ही है तो क्यों बताना है? तो इतना लिखो, खत्म करो, दैट्स इट। इसको ठीक लिख देना, ड्राफ्ट आ रेजुलेशन, सॉरी ड्राफ्ट आ ऑर्डिनरी रेजुलेशन फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अलाउड है, लिख सकते हैं बिल्कुल। क्या इसके बाद मेमोरेंडम के अंदर भी ऑल्टरेशन करने का क्लोज डाला जा सकता है? यस, डाला जा सकता है, कोई इशू नहीं है। सॉरी, चेंज ऑफ नेम के अंदर मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज करने का भी क्लोज डाला जा सकता था, एंड आंसर इज बिग यस, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राफ्ट रेजुलेशन फॉर 5 मार्क्स, ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करें फॉर व्हाट? इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल। तुमने 10-12 रेजुलेशन और लिख लिए, कहानी खत्म हो जाएगी ना, कभी आपको प्रैक्टिकली अभी एक प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, और एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों जगह काम खत्म। और अब पीछे मुड़ के मत देखना, मतलब पन्नों में, पेजेस में, ओआर पास करना है। अभी तो बताया था 61 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, और क्या पास करना है? अच्छा एक चीज और सुन लो भाई, तुमने पेपर में ये ओ आर पी आर कुछ नहीं लिखना है, पूरा पूरा लिखना है। ये अपनी आदतें सुधार लो, ये एब्रीवेट करने की। कंपनी सीओ डॉट नहीं लिखना है, पूरा लिखना है कंपनी, हर शब्द फुल फ्लैच लिखना है। ठीक है ना? सही है, तीन लाइनें लिखनी है भाई बस। वहीं से शो कर दो, परफेक्ट। हाँ जी,
दिखा दे वहीं से, वहीं से। परफेक्ट। हाँ जी है ना, सही से दिखा तो दो। सही। रिजॉल्व दैट पर्सुएंट टू सेक्शन, पर्सुएंट टू सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी बी एंड इज हियर बाय इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 लाख डिवाइडेड इनटू ड्रामा टू 15 लाख ड्रामा, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सीजी, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। अदिति ने तो मेंबर लिख दिया है, मेंबर आएगा नहीं आएगा? शेयर ओआर पास कर रहे हैं ना, शेयर होल्डर की तो अप्रूवल ले रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्यों लिखना है? मतलब आप ये कह रहे हो शेयर होल्डर इसे अप्रूव कर दो, बट आपकी अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू आपकी अप्रूवल। अजीब सा नहीं लगेगा? आपकी अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू द आपकी अप्रूवल, तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे लिखना नहीं है प्लीज। तो कैन यू राइट दिस इजिली? एक क्वेश्चन और दूं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ये लिख लिया तो आज की क्लास का हमारा टारगेट पूरा। लिखो दोस्तों, और कुछ नहीं है जी मेरे पास, कहाँ है? ठीक है ना, दो भाई दो लिखेंगी नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, आई ऑलवेज अप्रिशिएट यू एनी टाइम। लिखो ड्राफ्ट बी आर, क्या ड्राफ्ट करना है? बी आर, बी आर मतलब व्हाट आर नॉलेज, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ, बोलो क्या लिखूं? चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम, आसानी दे रहा हूं ठीक है, वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। इजी। लिखो सेक्शन, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, पास करेंगे बी आर, पास करेंगे एस आर, एस आर के साथ क्या जाएगा? MJD 14। किसकी अप्रूवल लेनी है, कौन से फॉर्म में? और IEC 23 में अप्रूवल आने के बाद आप इसकी खबर किसको दे दोगे, कौन से फॉर्म में? 28 में। इज इट ओके विद यू? थोड़ा आसान करूं इसे, थोड़ा आसान करने दो यार, क्या हो गया? बस लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी छुट्टी मेरी छुट्टी। बस आप एक काम कर लो, अभी के अभी BR और SR पास करके दोनों ही दिखा दो, और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स, आई विल गिव यू मार्क्स आउट ऑफ 15। सिंपल है, बोलो आप कर लोगे? मैं कराऊं इसे, गुड, लिख ले चुप करके। दोस्तों ये तुमने आज लिख लिया, समझ लो तुम पार हो, रेजोल्यूशन के तो पार हो, कोशिश करें प्लीज। सिंह साहब चुप करके लिख लो, पड़ोसी को मत बताओ, खुद कुछ आ नहीं रहा, पड़ोसी को बता रहा है, बताओ यार। मैं तुम्हारी सीट पे आ रहा हूं चेक करने, यू नो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। पागल है तू?